press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the 7th chapter of 9th Maharashtra Board History. The name of the chapter is Science and Technology. So basically in this chapter we will study about the development of science and technology in India. So we will study about different aspects like what was development done in the field of space research. Also we will check what was development done in the field of telecommunication, medicine. In some चीज़ों के बारे में हम discussion करेंगे. Okay. First of all, I just want to inform you that this is just like a revision video. इस chapters का मैंने detail videos already upload किया है. उसका link आपको description में मिल जाएगा. तो आप वो videos जाके देख लो. ये video में मैं सिर्फ brief में explain करूँगा. एक revision type video बना रहा हूँ. Already detail videos available है. उसका link आपको description में मिल जाएगा. तो आप जाके check कर सकते हो. So let us begin with this chapter. So you must be knowing that in history we are studying about post-independence history. ये 9th standard में हम क्या पढ़ रहे हैं? Post-independence, independence के बाद जो क्या हुआ इंडिया में उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो हम अभी इस chapter में science and technology के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे development होते गया science and technology में, इसके बारे में हम बात करेंगे. Okay. So Indian Atomic Research Center, Indian Atomic Energy Commission. सो आपको पता होगा कि एटॉमिक एनर्जी ये दो चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है. एक तो पीसफुल चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है या फिर हार्मफुल. मतलब क्या? एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए. पीसफुल मतलब क्या? उससे हम रिसर्च कर सकते हैं, उससे हम एनर्जी बना सकते हैं. एनर्जी मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. तो ये हमने क्या किया? एनर्जी के लिए कमीशन बनाया था. कमीशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू नर्चर अ साइंटिफिक टेंपर. तो जब इंडिपेंडेंस मिला तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू थे, तो उनका मानना था कि इंडियंस को साइंटिफिक टेंपर नर्चर करना चाहिए. साइंटिफिक मतलब क्या? कि हम लोग क्या बिलीव करेंगे? साइंस पे बिलीव करेंगे. ब्लाइंड फेथ मतलब काला जादू या भगवान की वजह से होता है ऐसा. सब जो अंधविश्वास होता है उसके बारे में विश्वास विश्वास नहीं करेंगे. वी विल बिलीव इन साइंटिफिक टेंपर. सो ये करेंगे तो क्या होगा? नेशन का प्रोग्रेस होगा. तो उसके वजह से उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन. तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस एटॉमिक कमीशन वाज डॉक्टर होमी भाभा. सो 1948 में 10 अगस्त 1948 में ये कमीशन बनाया था और उसके फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर होमी भाभा. तो होमी भाभा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे. उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है एटॉमिक एनर्जी डेवलप करने में इंडिया में. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमीशन वेर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी. देखो अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, मतलब क्या? पीसफुल तरीके से हम एटॉमिक एनर्जी यूज़ करेंगे तो उसका जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वेर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी, इंक्रीज द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स. अब ये फूड ग्रेन्स क्या करेंगे? ये एटॉमिक एनर्जी के ऊपर रिसर्च करते हैं. रिसर्च करने के बाद वो एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो सकता है, रिसर्च जो है. सो इट इंक्रीज द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मेक देम लास्ट लॉन्गर. सेटअप टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग द डेवलपमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो मतलब क्या? आपको पता होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा या फिर आप फ्यूचर में पढ़ोगे कि एटम्स के भी बहुत, उसके भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये सब चीज़ें क्या होती है? नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो मतलब क्या? बहुत बहुत छोटा. सो ये नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हम एटॉमिक एनर्जी यूज़ करेंगे. इन 1956 द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वॉज सेटअप. तो पहला उन्होंने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जिसका नाम था अप्सरा. ये याद रखो, अप्सरा वाज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब क्या? एक बड़ा यूनिट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर जो एटॉमिक एनर्जी का रिसर्च होता है या उसमें रिएक्शन होता है. रिएक्शन होने के बाद उसमें से हीट जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होता है. ठीक है. वो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं. सो इन 1969 एन एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज सेट अप इन तारापुर. तारापुर इज़ इन महाराष्ट्र. सो तारापुर में पहला पावर स्टेशन इन्होंने बनाया. सो ने 1969 रिएक्टर रिसर्च सेंटर वॉज सेट अप इन कल्पकम इन तमिलनाडु. अभी रिएक्टर बनाना है तो उसके ऊपर, रिएक्टर मतलब क्या? जिसमें एटम्स रिएक्ट करेंगे. यूरेनियम होता है, यूरेनियम यूज़ करते हैं. ठीक है. थोरियम भी यूज़ करते हैं. तो इसमें रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन करने के लिए रिएक्टर चाहिए. ये बहुत हार्मफुल होता है. अगर ये बाहर लीक हो गया तो अगर किसी ह्यूमन बींग के कॉन्टैक्ट में आ गया तो वो आदमी मर जाएगा, उसको कैंसर होगा, मर जाएगा. तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव भी होता है, इसलिए उसे यूज़ करने के लिए बहुत सेफली यूज़ करना पड़ता है. तो रिएक्टर में सब रिएक्शन करते हैं. तो रिएक्टर बनाने का सेंटर, रिसर्च करने का सेंटर कल्पकम इन तमिलनाडु, वहाँ बनाया गया. तो उसमें क्या यूज़ करते थे? थोरियम यूज़ करते थे. थोरियम फॉर जनरेटिंग एटॉमिक पावर. केरला का जो बीच है तो उसके सैंड में हमें थोरियम मिलता है, तो वहाँ से थोरियम यूज़ करते थे.
द रोल ऑफ रिएक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग एटॉमिक एनर्जी. मैंने जैसे बताया कि एटॉमिक एनर्जी अगर हमने बाहर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो क्या होगा, बहुत हार्मफुल है, तो उसमें रिएक्टर्स में उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इसलिए रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंडिया ने क्या किया, खुद रिसर्च किया रिएक्टर्स कैसे बनाना है. तो वो सेंटर कहाँ बनाया रिसर्च करने का, कल्पकम इन तमिलनाडु. फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग हैवी वाटर. अब ये हैवी वाटर क्या होता है, ये एटॉमिक एनर्जी जनरेट करने के लिए एक अलग टाइप का वाटर जरूरत होता है, अलग टाइप के वाटर की जरूरत होती है जिसे बोलते हैं हैवी वाटर. तो ये हैवी वाटर अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, बाहर के कंट्री से हमें लाना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने अगर खुद उसको डेवलप किया जनरेट किया तो क्या होगा, हमारा पैसा बचेगा, इसलिए इंडिया में जनरेट करने लगे. द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग द हैवी वाटर नीडेड फॉर द जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक पावर वॉज सेट अप इन वडोदरा तालचेर टूटीकोरिन कोटा. यहाँ उन्होंने उसका सेंटर बनाया. द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड हैवी वाटर प्रोजेक्ट्स वॉज सेटअप टू कैरी आउट रिसर्च ऑन मैन्युफैक्चरिंग हैवी वाटर विद इन कंट्री. इट वॉज लेटर रीनेम्ड एज हैवी वाटर बोर्ड. ये बोर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो हैवी वाटर बनाएगा. हैवी वाटर किस लिए यूज होता है, एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होता है. ठीक है, 28 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज साइंस डे. साइंस डे मनाया जाता है. तो ये सब देखो अभी स्कूल में अभी जब कुछ नहीं हो रहा है. उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर, ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर. पहला हमने न्यूक्लियर रिएक्टर देखा, उसका नाम था अप्सरा. दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर या उसके बाद एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था जिसका नाम है ध्रुव. इन 1985 कम्प्लीटली इंडियन मेड. अभी पहले हमारे पास क्या था, इतना नॉलेज नहीं था, तो हमने दूसरे कंट्री से हेल्प लिया और जो अप्सरा ये जो एटॉमिक सेंटर बनाया, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया. बाद में ये जो है ध्रुव, ये हमने खुद बनाया, इंडियंस ने बनाया, दैट इज़ इन 1985. ध्रुव वॉज स्टार्टेड एट ट्रॉम्बे नियर मुंबई. मुंबई के पास अगर आप नवी मुंबई से मुंबई जाते हो तो एक वाशी का ब्रिज लगता है या फिर एक क्रीक लगती है, तो क्रीक के आगे मुंबई स्टार्ट होती है, तो वहीं एक एरिया है ट्रॉम्बे, वहाँ आपको न्यूक्लियर रिएक्टर आसानी से दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया है, किसी को जाने नहीं देते आसानी से. तो वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, एक माउंटेन है माउंटेन के पार. ठीक है, माउंटेन के यहाँ आसपास ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है. तो ट्रॉम्बे में ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज यूजेस यूरेनियम. तो हमने देखा था यहाँ अप्सरा में क्या यूज होता था, यहाँ होता था थोरियम. यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, यूरेनियम. ठीक है, एज अ फ्यूल. एट दिस सेंटर 350 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस. दे आर यूज इन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन. मतलब यहाँ एनर्जी जनरेट नहीं हो रहा है. तारापुर में क्या हो रहा था, एनर्जी जनरेट हो रहा था. यहाँ एनर्जी जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सेंटर है ट्रॉम्बे में, डॉक्टर होमी भाभा उनके नाम के ऊपर रखा गया है, तो उसका नाम है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ओके, सो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, थर्मल करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर पावर. सो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. दिस कंपनी वॉज सेटअप इन 1987 टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मास्टर एंड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू जनरेट सेफ चीप एंड एनवायरमेंटली प्रॉफिटेबल पावर एंड मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट. सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या, हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत, बाहर से हमें ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी की, हम टेक्नोलॉजी खुद बनाएंगे. उसके बाद आपको पता है ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें कुछ पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन आपको पता है जैसे पेट्रोल यूज़ करते हैं हम, वैसे ही कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसे बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. न्यूक्लियर एनर्जी भी पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन नहीं होता है उसमें. ठीक है, तो इंडिया में जो भी बनेगा वो क्या होगा, सेफ होगा, चीप होगा, एनवायरमेंटली प्रॉफिटेबल होगा. तो इससे क्या होगा, हमारा कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बनेगा. सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या, हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. हमारा जो भी एनर्जी है, हमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, हम खुद डेवलप कर सकते हैं इंडिया में. ठीक है, अभी न्यूक्लियर टेस्ट, अभी ये जो देखा हमने, ये क्या था, ये था पीसफुल मेथड्स के लिए. अभी हमारा कंट्री, आपको पता है कि हमारे कंट्री के आसपास जो भी हमारे नेबर्स है वो बहुत थ्रेट है हमारे लिए, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है. तो इनसे बचने के लिए हमारे पास पोटेंशियल होना चाहिए कि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते. ठीक है, न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे. इंडिया का नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, मतलब पहली बार इंडिया कभी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेगा अपने दुश्मन के खिलाफ. उन्होंने यूज़ किया तो हम लोग उसको रिएक्ट करेंगे, ये हमारा पॉलिसी है. लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, ताकि आगे का जो कंट्री है, सामने वाला कंट्री है, वो डरे हमसे. इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट किए गए इन पोखरण. पोखरण इज़ इन राजस्थान. राजस्थान का जो डेजर्ट है वहाँ पोखरण है. इंडिया सक्सेसफुली परफॉर्म्ड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन राजस्थान ऑन 18 मई 1974. तभी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तभी ये टेस्ट हुआ था. इन रिजोनेंस विद द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस. अभी देखो, पहले क्या बोला था, पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे. अभी क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ब्लास्ट करा रहे.
एंड सेल्फ सफिशेंसी, द रीज़न वाई इंडिया टुक डिसीजन, इंडिया ने क्यों किया, क्योंकि चाइना का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, चाइना के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आ गई थी। और आपने पढ़ा होगा पहले कि चाइना के साथ हमारा वॉर भी हुआ था जिसमें हमारा हार हुई थी, तो फ्यूचर में अगर वॉर हुआ तो चाइना के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है तो यूज़ कर सकते हैं हमारे खिलाफ़। तो हमने अभी खुद डेवलप किया तो उनको डर रहेगा कि इंडिया भी यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, सो पाकिस्तान भी डेस्परेट था, पाकिस्तान भी अपना पाकिस्तान में भी रिसर्च चल रहा था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, तो इंडिया को पता चला तो इंडिया ने भी खुद पहले बना लिया। तो पाकिस्तान चाइना का हेल्प ले रहा था। डॉक्टर होमी सेतना, ये डॉक्टर होमी सेतना है, डॉक्टर राजा रमन्ना, ठीक है, और उसमें हाँ राजा रमन्ना ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड थे, राजा रमन्ना डायरेक्टर और पाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मैंने बताया ट्रॉम्बे में जो है, प्लेड अ मेजर रोल इन कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टुक द डिसीजन ऑफ कैरिंग आउट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब क्या, ब्लास्ट कराया, मतलब प्रूव किया कि हमारे पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, हम भी न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। पोखरण वॉज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट। अभी पोखरण क्यों चूज़ किया, अगर मैं बोलूँ कि न्यूक्लियर टेस्ट हम दिल्ली में करते तो कितने सारे लोगों का डेथ होगा। पोखरण बहुत दूर है, वहाँ आसपास कोई रहता नहीं है, वहाँ ग्राउंड वाटर नहीं है, मतलब नीचे कुछ पानी का सोर्स नहीं है, इसके वजह से वहाँ टेस्ट किया गया क्योंकि फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट एंड नो ग्राउंड वाटर रिजर्व। इन 1974 व्हेन इंडिया कैरीड आउट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण। अभी क्या होता है कि जब भी कोई टेस्ट करता है तो ऐसा वर्ल्ड में बताया जाता है कि ये कंट्री भी पावरफुल हो गया है, ये कंट्री भी थ्रेट है दूसरे दुनिया को। तो यूएसए तभी पावरफुल कंट्री था, और अभी का जो रसिया है उसे बोलते थे यूएसएसआर। तो यूएसएसआर बहुत पावरफुल कंट्रीज थे, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, ये बहुत पावरफुल कंट्रीज थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, इन सब लोग मिल के, पहले सबसे बड़ा तो यूएसए, इन लोगों ने मिल के इंडिया के ऊपर रोक लगाया, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया, इंडिया को प्रेशराइज किया, ठीक है। तो बाद में लेकिन टेक्नोलॉजी दिया नहीं था यूएसए ने इंडिया को, तो इंडिया ने खुद डेवलप किया। बाद में इन कंट्रीज़ के साथ हम ज्वाइन हो गए कि हमारे पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, हमारे पास भी खुद का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है, ठीक है। ऐसे बहुत कम कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, तो उनके लिस्ट में भी इंडिया का नाम ऐड हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट, हाँ जो मैंने बोला था कि यूएसए क्या करता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है। सैंक्शंस मतलब क्या होता है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड होता है उसके ऊपर रोक लगा देता है, इंडिया के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। लेकिन बाद में हमने उनको कन्विंस किया, यूएसए को कन्विंस किया कि हम न्यूक्लियर वेपन सिर्फ पीसफुल यूज़ के लिए करेंगे, और न्यूक्लियर वेपन्स अगर पहली बार कभी यूज़ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है इंडिया का, ठीक है। तो उसके बाद यूएसए ने धीरे धीरे करके अपने सैंक्शंस हटा दिए। सैंक्शंस मतलब क्या होता है कि रोक लगा देता है। नेक्स्ट इज मिसाइल डेवलपमेंट। पृथ्वी ये मिसाइल का नाम है। अभी हमने देखा था कि पहले न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुली यूज़ कर रहे हैं, बाद में हमने टेस्ट किया, उसके बाद हमने मिसाइल्स बनाए। मिसाइल्स क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास आसपास, जैसे मैंने बताया कि हमारे आसपास जो कंट्रीज़ है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये हमारे लिए थ्रेट है, तो हमारा भी कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए, हमारे भी मिलिट्री के पास मिसाइल्स होना चाहिए, हमारे भी एयरफोर्स के पास मिसाइल्स होना चाहिए, इसलिए इंडिया में मिसाइल्स बनाए गए। सो पृथ्वी इन 1988 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द मिसाइल पृथ्वी। इन 1989 द मिसाइल अग्नि, ये सब मिसाइल्स के नाम है, अग्नि, पृथ्वी। द एंटायर वर्ल्ड टुक नोट ऑफ इंडियाज प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर मिसाइल। अब ये न्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब क्या, हम कहीं से लॉन्च करेंगे और दूसरे सिटी में जाके या दूसरे कंट्री में जाके वो ब्लास्ट होगा। अभी देखो, मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP वॉज कंसीव्ड बाय द एंड कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम तभी DRDO में काम करते थे। DRDO मतलब क्या है, जो हमारा डिफेंस है, डिफेंस मतलब क्या, हमारा जो नेवी है, एयरफोर्स है, या फिर हमारे आर्मी है, इनको अगर नया नया इक्विपमेंट मिला तो क्या होगा, ये ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो ये नए नए इक्विपमेंट अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे। ये रिसर्च होता है DRDO में, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हेड थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसके वजह से APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का मिसाइल्स बनाने में, और इंडिया ने खुद मिसाइल्स बनाए, बाकी किसी से खरीद के लिया नहीं, ठीक है। तो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया उन्होंने, इसके वजह से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम का फादर बोला जाता है। सो फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम ऑल्सो इज कॉल्ड एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बिकॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ह्यूज। अभी ये जो मिसाइल्स थे, पृथ्वी, अग्नि, हमने देखा था, इसका एक नया वर्जन बनाया, दैट इज़ पृथ्वी 1, सक्सेसफुल टू सरफेस, मतलब क्या होगा, लैंड टू लैंड ये जाएगा। तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल वॉज गिवन टू द आर्मी। अभी पृथ्वी टू
पृथ्वी टू क्या है, वॉज गिवन टू एयरफोर्स, मतलब क्या होगा ये एयर से, मतलब प्लेन से, फाइटर प्लेन से नीचे ज़मीन को टारगेट करेगा, तो ये क्या होगा सरफेस, सॉरी एयर टू सरफेस। उसके बाद पृथ्वी थ्री ये नेवी को दिया था, मतलब नेवी कहाँ होती है, शिप, शिप वाटर में होता है, तो वाटर से लेके दूसरे शिप के ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर वाटर सी कोस्ट से सी कोस्ट के ऊपर कहीं भी अटैक कर सकता है। तो पाकिस्तान चाइना, ये अब चाइना और पाकिस्तान इनको अभी थ्रेट है कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल्स है। पृथ्वी हैड द कैपेसिटी टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ 500 to 1000 kg, इतना न्यूक्लियर वेपन्स यूज कैरी कर सकते हैं। पृथ्वी को ट्रैवल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 150 to 300 kilometers, तो इतना उसका रेंज है मिसाइल का, मतलब 150 to 300 kilometers के टारगेट को हिट कर सकता है। सो अगर हम पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जाएंगे तो वहाँ से हम लोग हिट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान का कोई भी सिटी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतना हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है। पाकिस्तान के पास भी मिसाइल्स है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों कंट्री को पता होता है कि अगर वॉर चला तो दोनों को भी थ्रेट है, इसमें वॉर इसलिए अवॉइड करते हैं। अग्नि, इन ऑर्डर डैट चाइना एंड पाकिस्तान गेट एन आइडिया ऑफ इंडियाज़ मिसाइल स्ट्रेंथ, इंडियन बॉर्डर मेड सिक्योर, अग्नि वॉज टेस्टेड, अग्नि वन वॉज टेस्टेड, ये नया वर्जन है अग्नि मिसाइल का। दिस मिसाइल हैड अ रेंज ऑफ, देखो हमने ये रेंज देखा था कितना था, 150 to 300 kilometers, अभी रेंज बढ़ गया 700 kilometers तक रेंज हो गया। अग्नि टू, अग्नि थ्री, ये नया नया वर्जन उसका बनाया गया, ठीक है, ताकि वो और पावरफुल बने और उसका रेंज बढ़े और वो एफिशिएंट बने। अभी ये भी मिसाइल्स का नाम है आकाश एंड नाग मिसाइल्स। इन 1990 द मिसाइल आकाश वॉज डेवलप्ड टू फायर फ्रॉम लैंड टू एयर, मतलब सपोज कोई फाइटर प्लेन है तो हम उसे हिट कर सकते हैं, तो उसका नाम देखो आकाश दिया गया, आकाश मतलब क्या लैंड से एयर में जाएगा। दिस मिसाइल हैड अ कैपेसिटी टू कैरी 720 kilograms ऑफ एक्सप्लोजिव एट सुपरसोनिक स्पीड, मतलब बहुत फास्ट स्पीड, क्योंकि जेट जो प्लेन्स होते हैं वो भी बहुत फास्ट जाते हैं, तो उतना ही मिसाइल का भी कैपेबिलिटी होना चाहिए उसको टारगेट करने का, तो होता है सुपरसोनिक स्पीड एंड रेंज ऑफ 30 kilometers, तो 30 kilometers तक वो हिट कर सकता है। द मिसाइल नाग वॉज मेड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टैंक्स ऑफ द आर्मी, ठीक है, तो आकाश हमने देखा था क्या करेगा, ये यहाँ से लैंड से एयर की तरफ जाएगा, मिसाइल नाग क्या करेगा टैंक, जो टैंक्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इट इज़ ऑन द फायर एंड फॉरगेट, मतलब क्या होगा वो जो हीट कैप्चर करता है, सपोज जो टैंक होता है वो हीट होता है उसके अंदर, तो हीट को कैप्चर करता है, तो एक बार हमने टारगेट लोकेट किया तो फायर करो और भूल जाओ, वो अपने आप जाके टारगेट को हीट करेगा, इतना उसका एक्यूरेसी है, तो वो होता है फायर एंड फॉरगेट। इंडिया हैड अ मिसाइल मिलिट्री बिकम सिक्योर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल, तो मिसाइल बनने के बाद इंडिया का जो मिलिट्री है बहुत स्ट्रांग हो गया, इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेस रिसर्च, अभी स्पेस रिसर्च करना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो स्पेस में अगर हमारे पास सैटेलाइट्स होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। अभी आज जो कम्युनिकेशन चलता है हमारा मोबाइल फ़ोन का, वो कैसे चलता है, वो सैटेलाइट से चलता है, या फिर हमारे घर में जो डिश टीवी है वो सब सैटेलाइट से चलता है, तो ये पहले ये सब नहीं था, तो इंडिया ने क्या किया सैटेलाइट डेवलप करना चालू कर दिया। अभी सैटेलाइट तो हम स्पेस में सीधा छोड़ नहीं सकते, उसके लिए क्या लगता है मिसाइल लगता है, ठीक है, तो देखेंगे हम 1961 इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च NCSR लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रिसर्च रॉकेट फ्रॉम थुम्बा, थुम्बा इज़ इन केरला, केरला के पास है ये, केरला के कोस्टल एरिया में है, तो वहाँ से ये पहली बार मिसाइल एक लॉन्च हुआ था, ये छोटा एक एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद हमने नए नए मिसाइल्स बनाए। सो 1969 और इंडिजिनियसली बिल्ट रॉकेट, इंडिजिनियसली मतलब क्या पूरी तरीके से इंडियंस ने बनाया और इंडिया में बनाया, तो रोहिणी 75 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च, द नेक्स्ट स्टेज वॉज सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। अभी ये रॉकेट जो छोड़ा था उसके अंदर अभी हम सैटेलाइट डालेंगे और वो रॉकेट ऊपर जाएगा, वो डिसमेंटल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और सैटेलाइट जाके वहाँ ऑर्बिट में चले जाएगा, वहाँ वो जाके रुक जाएगा और वो सैटेलाइट से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्टा, आर्यभट्टा आपको पता होगा ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उनके नाम के ऊपर ये सैटेलाइट रखा गया था। सो इन 1975 विद द हेल्प ऑफ सोवियत रशिया बहुत हमारा अच्छा फ्रेंड था, तो उनसे हेल्प लिया था टेक्नोलॉजी का, हमने मिल के सैटेलाइट बनाया था। दिस सक्सेस प्रूव दैट इंडिया साइंटिस्ट कैन इंडिजिनियसली बिल्ड एंड लॉन्च अ सैटेलाइट, मतलब तभी प्रूव हुआ कि इंडिया के पास भी कैपेबिलिटीज़ है सैटेलाइट बनाने का, सैटेलाइट उसको लॉन्च करने का, ऊपर जाके ऑर्बिट में रखने का। इंडियन साइंटिस्ट वेर कॉन्फिडेंट दैट दे कुड एक्वायर द टेक्नोलॉजी फॉर सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम अर्थ स्टेशन। अर्थ स्टेशन क्या होता है कि सैटेलाइट तो स्पेस में होता है, सैटेलाइट्स को अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमारे पास एक सेंटर होगा, स्टेशन होगा, मतलब क्या एक जगह होगा जहाँ से हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, अर्थ स्टेशन एंड ऑल्सो टू एक्सेस द वर्किंग ऑफ द सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट को चेक करेंगे सही से चल रहा है कि नहीं। ये अर्थ स्टेशन शायद अहमदाबाद में है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो स्पेस के बारे में रिसर्च करता है, उसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, बेंगलोर में। आफ्टर द सक्सेस ऑफ बेसिक प्रोग्राम इन स्पेस रिसर्च एंड रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट रिलेटेड प्रोजेक्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969 इन ऑर्डर टू कैरी आउट फर्दर स्पेस रिसर्च। अब ये थुम्बा में तो लॉन्च हुआ लेकिन वो छोटे तौर पर था, उसको और डेवलप करना है तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है इसरो और उसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। अभी एक तो थुम्बा से लॉन्च कर रहे थे हम, लेकिन उसका लिमिटेशन था, छोटा जगह था, तो हमने क्या किया, नया रॉकेट लॉन्च करने का जगह बनाया, तो वो है श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा इज इन आंध्र प्रदेश। सो स्पेस स्टेशन बनाया जहाँ से क्या होगा रॉकेट को लॉन्च करेंगे, तो स्पेस स्टेशन एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश फॉर लॉन्चिंग अवर सैटेलाइट इन स्पेस। नेक्स्ट इज भास्कर वन, ये सब सैटेलाइट का नाम है। ये इंडिया लॉन्च रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भास्कर वन फ्रॉम सोवियत रशिया। तो अभी हमने क्या किया, ये हमारे पास इतना भी पावरफुल टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम अच्छे से सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, इसलिए हमने सोवियत रशिया मतलब क्या, आज का जो रशिया है, पहले बहुत बड़ा कंट्री था रशिया, उसे USSR बोलते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। 1991 के बाद वो छोटा कंट्री बन गया, रशिया बन गया, ठीक है, सोवियत रशिया इन 1979 इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स ऑन द सर्फेस। अभी इसमें क्या होता है कि भास्कर सैटेलाइट है वहाँ से, अभी हम ये बात कर रहे हैं 1979 की, तभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, गूगल अर्थ ये सब, गूगल मैप सब नहीं थे, तो हमने सैटेलाइट से क्या करते थे, वहाँ से फोटोग्राफ्स लेते थे, तो उसमें समझ में आता था कि लैंड कहाँ, सॉरी जंगल्स कहाँ है, उसके बाद वाटर बॉडीज कहाँ है, लेक कहाँ है, रिवर कहाँ है, ठीक है। ये आज आपको बहुत आउटडेटेड लगेगा, लेकिन हम 1979 की बात कर रहे हैं, तभी ये नया टेक्नोलॉजी था। सो रिमोट सेंसिंग करेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि वाटर बॉडीज कहाँ हैं, मिनरल डिपॉजिट्स कहाँ हैं, वेदर फोरकास्ट करेगा, जिसके फोटोग्राफ्स हम लेते थे, हम फोटोग्राफ्स अर्थ में आते थे, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी अबाउट द बोवेल्स ऑफ द अर्थ एनवायरमेंटल, बोवेल्स मतलब क्या कि एग्रीकल्चर कहाँ होता है, उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, फॉरेस्ट कहाँ है, ये सब उसका एक्सेस करते थे वहाँ से, ठीक है। भास्कर टू नया सैटेलाइट भेजा था 1981 में, ये भी सोवियत रशिया से भेजा था, ठीक है। अभी देखो हम नए इसके बारे में बात कर रहे हैं, एप्पल मतलब क्या, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इट द फर्स्ट कम्प्लीटली इंडिजिनसली बिल्ड सैटेलाइट बाई इसरो। ये पूरी तरीके से इंडियंस ने बनाया था, पहले हम रशिया से हेल्प ले रहे थे, अभी नहीं, अभी हमने खुद बनाया 1981 में। एप्पल वॉज लॉन्च इन 19 जून 1981 फ्रॉम द फ्रेंच गुएना। फ्रेंच गुएना क्या है, कंट्री का नाम है, ये ब्राज़ील के पास कंट्री है और ये इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास जो भी जगह है वो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत अच्छा जगह होता है इक्वेटर के पास, इसलिए थुम्बा को चूज़ किया था क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत क्लोज है। लेकिन श्रीहरिकोटा भी इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर श्रीहरिकोटा इक्वेटर से थोड़ा दूर है, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी लॉन्च नहीं कर सकते, उसके लिए एक अच्छा जगह चाहिए जहाँ से लॉन्च होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो श्रीहरिकोटा और इसको चूज़ किया गया है थुम्बा को। देखो अब ये एप्पल से क्या होता है कि एजुकेशन, अभी आज जो एजुकेशन चल रहा है आपको पता है कि ऑनलाइन चल रहा है, हम स्पेस सैटेलाइट से कनेक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये डेवलपमेंट हुआ था जिसका सैटेलाइट का नाम था ये जो एप्पल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वॉज सक्सेसफुल, कि अगर सपोज इंडिया में जो भी टेलीफोन नेटवर्क है वो सब बंद हो गया तो हमारा कंट्री स्टॉप हो सकता है, तो हमारे जो पुलिस है या फिर हमारा आर्मी है, नेवी है, ये कैसे क्या कम्युनिकेट करेंगे, तो इनका एक कम्युनिकेशन करने का अलग सैटेलाइट होता है, अलग लाइन होता है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये तभी बनाया गया था। नेक्स्ट इज इनसैट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ सैटेलाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है, हमारे रेडियो का कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था टेली कम्युनिकेशन में, टेलीविज़न, रेडियो, वेदर फोरकास्टिंग, कैसे वेदर होने वाला है, बारिश होने वाला है कि नहीं, या कम बारिश होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है, ये अगर हमने हमारे फार्मर्स को बताया तो उनका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें इस सैटेलाइट्स में से रिकॉर्ड होती है या इसमें से रिसर्च होती है। आकाशवाणी आपको बताया, आकाशवाणी मतलब क्या, आकाश में से वाणी सुनाई दे रही है, वाणी मतलब आवाज़ आकाश में से। अभी ये बहुत कम लोग रेडियो सुनते हैं, लेकिन पहले बहुत ये बहुत फेमस था रेडियो, मतलब उसमें क्या होता था कि गाने सुनाए देते थे हमें, न्यूज़ सुनाई देती थी, तो आकाशवाणी, तो रेडियो में कोई वायर नहीं है, वायरलेस है, तो कनेक्शन कैसे होगा, सैटेलाइट के थ्रू होगा। रेडियो में एंटीना होगा, वो एंटीना क्या करेगा, सैटेलाइट से रेंज लेगा और वहाँ से
अपने को आवाज़ सुनाई देगा या फिर जो भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ इनसैट सैटेलाइट। सो रेस्क्यू, अगर कोई फंस गया है तो वो कम्युनिकेट कर सकता है या फिर उसे हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए भी यूज़ होता है। शिप अगर डिज़ास्टर हो गया, शिप डूब गया या एरोप्लेन क्रैश हो गया, तभी हम लोकेट कर सकते हैं उसे कहाँ क्रैश हुआ है, तो हमारा जो रेस्क्यू टीम है वहाँ जाके कलेक्ट कर सकता है या फिर उनको हेल्प कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, साइक्लोन होने वाला है, स्टॉर्म होने वाला है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ टेली मेडिसिन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी एजुकेशन अगर करना है तो हमें क्या, सपोज़ हमें ऑनलाइन एजुकेशन करना है, ये हम बात कर रहे हैं 1990 के पहले, ठीक है, तभी कम्युनिकेट करने के लिए क्या था, हम लोग यूज़ करते थे सैटेलाइट। अभी तो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है या फिर अभी बहुत डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन तभी डेवलपमेंट नहीं था, तो ये सैटेलाइट से हम कम्युनिकेट करते थे, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह होते थे, ठीक है, लेकिन इसका बहुत रेयर होते थे, बहुत कम होते थे। नेक्स्ट इज टेली मेडिसिन। टेली मेडिसिन मतलब क्या, कि सपोज़ किसी गाँव में कोई छोटा डॉक्टर है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, पेशेंट तो आ नहीं सकता है सिटी में क्योंकि पैसा नहीं होता है, तो पेशेंट को अगर ट्रीट करना है तो क्या होगा, हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का जो बड़ा डॉक्टर होता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो छोटे गांव में कनेक्ट करेगा, ठीक है, कनेक्शन होगा और कनेक्शन हो के उसका इलाज कर सकता है, उसे गाइड कर सकता है, डॉक्टर को हेल्प कर सकता है, सर्जरी में हेल्प कर सकता है या फिर उसे गाइड कर सकता है, पेशेंट को देख सकता है, अभी सब ये चलता है, लेकिन ये तभी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इनसैट सैटेलाइट की वजह से ये पॉसिबल हुआ, ठीक है। जो गांव में जो छोटे डॉक्टर्स होते, छोटे हॉस्पिटल होते हैं जैसे बोलते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, तो उससे कनेक्शन हो सकता है। तो पहले इंटरनेट सब नहीं था तो ये सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होता था, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए यूज़ था, ज़्यादा लिमिटेड यूज़ था, बाद में इंटरनेट आया तो ये सब चीज़ पुराने हो गए, तो अभी कोई ये देखता नहीं है, अभी सब इंटरनेट से होता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन भी सैटेलाइट से होता है, ठीक है, वायरलेस जो इंटरनेट है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, पहले देखो हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट नहीं था इंडिया में, तो बहुत सारी चीज़ें हमें बाहर से लानी पड़ती थी, तो उसमें बहुत सारा पैसा हमारा खर्चा होता था। सो नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज स्टार्टेड मेनी गुड कॉलेजेस, सो स्टूडेंट्स हुआ स्टडिंग इन दोज कॉलेजेस वेर हाईली क्वालिफाइड, सो दे वर वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज, तो उन्होंने भी रिसर्च करके कुछ नए नए चीज़ें बनाई, जैसे हम अभी रेलवेज के बारे में बात करेंगे, रेलवे का लोकोमोटिव वर्क, लोकोमोटिव मतलब क्या, रेलवे का जो इंजन है उसको बनाने का काम होता है चितरंजन में, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में वो जो लोकोमोटिव बनाते हैं, वैसा वाराणसी में भी लोकोमोटिव बनाते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क, डीजल का जो लोकोमोटिव है वाराणसी में बनाते हैं, लोकोमोटिव मतलब क्या, इंजन, यहाँ डेवलपमेंट होता है, पहले हमें बाहर से लाना पड़ता था, अभी हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और बाकी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया, वियतनाम, यहाँ हम अभी इंजिन्स एक्सपोर्ट करते, तो पहले जो कंट्री खुद बाहर से खरीदता था अभी हम क्या करते, एक्सपोर्ट करते, तो हम लोग इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किया हमने, ठीक है। टेलेक्स, टेलेक्स मतलब क्या, टेली कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट अगर करेंगे तो पहले कैसे करते थे, पहले पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट है उससे करते थे, या फिर हाँ उससे ही ज़्यादा कम्युनिकेशन होता था, तो क्योंकि फ़ोन्स या टेलीफोन ज़्यादा नहीं थे, मोबाइल फ़ोन तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल फ़ोन इंडिया में 1994-1995 में है, तो पहले ये सब नहीं था, तो पहले कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता था कि हम टाइप्ड मैसेज भेजते थे, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता था, इसमें बहुत टाइम लगता था, ये 1963-1969 की बात चल रही है, पहले इंग्लिश में ही होता था, 1969 में देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब क्या, हिंदी और मराठी जो स्क्रिप्ट होता है उसमें आता था लैंग्वेज, तो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद 1990 में इंटरनेट आया, इंटरनेट आने के बाद ये सब चीज़ें पुरानी हो गई, क्योंकि इंटरनेट में हम क्या ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पहले ये सब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो छोटे छोटे टाइप मैसेज सेंड करते थे, ठीक है। डेवलपमेंट देखो कैसे होते जा रहे हैं, पहले सब इंग्लिश में होता था लेकिन बाद में हिंदी में भी आने लगा मैसेजेस, छोटे छोटे मैसेजेस थे, शॉर्ट मैसेजेस थे, लेकिन बाद में इंटरनेट आने के बाद क्या हो गया, ये सब चीज़ें आउटडेटेड हो गई। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, अभी सैटेलाइट क्या होता है कि जैसे सैटेलाइट हमने ऊपर लॉन्च कर दिया, ऊपर भेज दिया, तो अभी उससे कॉन्टैक्ट भी तो करना है, वो क्या रिसर्च कर रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमारा जो अर्थ स्टेशन होगा, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हो गए नीचे अर्थ में बैठेंगे और वहाँ से सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करेंगे। सो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सैटेलाइट कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अ डोमेस्टिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ सेंटर वॉज एस्टैब्लिश इन 1967 एट जोधपुर ठेकरा नियर अहमदाबाद, ये दो तीन जगह, सॉरी अहमदाबाद और जोधपुर, यहाँ सैटेलाइट
से कम्युनिकेट करने के लिए अर्थ स्टेशन बनाया गया। दिस मेड इट ईजी टू ट्रेन साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस इन सेटिंग अप एंड रनिंग एट अर्थ स्टेशन विद इन द कंट्री। तो अर्थ स्टेशन मतलब क्या, जो कम्युनिकेशन करेंगे। इन 1970 अ सेंटर वॉज एस्टेब्लिश एट एरावी नियर पुणे इक्विप्ड फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सर्विस। तो एरावी में पुणे में जो एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पिन कोड। पिन कोड आपने देखा होगा कि हमारा जो एड्रेस होता है उसका एक पिन कोड होता है। पिन कोड मतलब क्या कि हम पिन कोड से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया में वो आदमी रहता है या कौन से एरिया में लेटर हमने सेंड करना है। हर एक एरिया में पोस्ट ऑफिस होता है, उस पोस्ट ऑफिस को एक पिन कोड दिया जाता है कि सपोज़ मुझे यहाँ से दिल्ली में लेटर भेजना है तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस लिखूँगा और लास्ट में एक पिन कोड होगा, यूनिक होगा, ये सबका एक किसी का कॉमन, हर एक एरिया का कॉमन पिन, सॉरी एक यूनिक पिन कोड होगा। तो वो पिन कोड अगर मैं डालूंगा तो वो जो पोस्टमैन होता है या पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं वो लोग ठीक से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो लेटर है वो कहाँ भेजना है। तो इसलिए पिन कोड्स बनाए गए। सो फ्रॉम 15 अगस्त 1972 अ पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्टेड अप 6-डिजिट पिन कोड। तो इंडिया में 6-डिजिट पिन कोड है, जैसे महाराष्ट्र में 40 से पिन कोड स्टार्ट होता है, 40, 41, 42, 43, 44 ऐसा पिन कोड स्टार्ट होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। जो महाराष्ट्र का जो मुंबई कैपिटल है, मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है उसके पास एक बड़ा पोस्ट ऑफिस है जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है, उस एरिया का पिन कोड है 40001, मतलब 4, 5 बार 0 और 1। तो ये पहला पिन कोड है। उसके बाद जैसे जैसे एरिया चेंज होता है पिन कोड चेंज होते जाता है। तो महाराष्ट्र का जो स्टार्टिंग है ये 4 से शुरू होता है, महाराष्ट्र मतलब मुंबई का, दिल्ली में 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो ये सब इसमें क्या होता है कि ये पिन कोड का, जैसे मैंने बोला कि 6-डिजिट होगा 40001, तो उसमें हर एक जो कोड है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे देखो, द फर्स्ट डिजिट ऑफ द पिन कोड इंडिकेट्स द रीजन, मतलब यहाँ 4 अगर पता चला तो मुझे पता चलेगा कि ये महाराष्ट्र का लेटर है। उसके बाद सेकेंड डिजिट क्या है, सब रीजन, ठीक है। थर्ड डिजिट क्या है, मेन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट, इसमें से पता लगा सकते हैं हम, उसमें से चेक कर सकते हैं पिन कोड जो होता है। लोकल पोस्ट ऑफिस मतलब क्या, लास्ट डिजिट्स, ठीक है, लास्ट 3 जो होगा उसमें क्या होगा, लोकल पोस्ट ऑफिस। तो ऐसे लेटर हम भेज सकते हैं, तो इसके लिए पिन कोड बनाया गया। नहीं तो क्या होगा, एड्रेस देखने में बहुत टाइम लगेगा, एड्रेस से लेटर भेजने में बहुत कन्फ्यूजन होगा, कभी कभी दो सिटीज़ का नाम भी सेम होता है, लेकिन पिन कोड कभी सेम नहीं होगा, पिन कोड यूनिक होगा, ठीक है। तो पिन कोड से आसानी होती है। ये सब पोस्ट ऑफिस के लिए किया गया था। अभी पोस्ट ऑफिस या पोस्ट लेटर कोई बहुत कम लोग भेजते हैं, अभी ज़्यादा करके ईमेल या मैसेजेस जाता है। ये हम 1972 की बात कर रहे हैं, ओके। देन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टेलीफोन सर्विस, दैट इज़ ISD। अभी ISD मतलब क्या, सपोज़ अभी मुझे मुंबई से दिल्ली बात करना है तो क्या होगा, ये इंटरस्टेट बात कर रहा हूँ मैं, मुंबई टू मुंबई बात करना है तो क्या होगा, लोकल एरिया में बात कर रहा हूँ। वैसे ही अगर मुझे इंडिया से अगर दुबई बात करना है या इंडिया से इंग्लैंड बात करना है, लंदन बात करना है, मुंबई से लंदन बात करना है, दिल्ली से लंदन बात करना है, तो क्या होगा, इंटरनेशनल बात होगा, इंटरनेशनल। अभी ये हम बात कर रहे हैं 1976 की। सो 1976 में इतना डेवलपमेंट नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, टेलीफोन्स भी बहुत कम लोगों के पास थे, इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो ऐसे बहुत कम एरिया होते थे जहाँ से इंटरनेशनल कॉल लगता था, ठीक है। सो इंटरनेशनल कॉल करने के लिए ये जो सर्विस होता है उसको बोलते हैं ISD, ठीक है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग टेलीफोन सर्विसेज का फुल फॉर्म है। इन 1972 ओवरसीज कम्युनिकेशन, ओवरसीज मतलब क्या, सी होता है मतलब बोलते हैं ना विदेश, मतलब क्या दूसरे कंट्री में, समुंदर क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जाएंगे हम, ठीक है। सो दैट इज ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विसेज वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सर्विस। मतलब अभी क्या हम डेवलप कर रहे हैं कि इंटरनेशनली अगर किसी को बात करना है तो उसके लिए टेलीफोन सर्विस होना चाहिए, ठीक है। सो इन 1976 इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलर टेलीफोन सर्विस वॉज स्टार्टेड एट कनेक्ट मुंबई एंड लंदन। मतलब देखो, अगर लंदन बात करना है तो बहुत कम जगह होगा जहाँ से तुम फ़ोन कर सकते हो, अभी तो हम मोबाइल से भी कर सकते हैं हमारे, लेकिन ये हम 1972 की बात कर रहे हैं। अलॉन्ग साइड टेलीफोन सर्विसेज लाइक टेलेक्स, टेलीप्रिंटर एंड रेडियो इमेजेस वेर स्टार्टेड। टेलीप्रिंटर मतलब क्या कि इमेजेस अगर सेंड करना है, फैक्स से सेंड करना है, या फिर टेलीप्रिंटर होगा फैक्स, जैसे एक मतलब यहाँ से तुम एक इमेज भेजोगे या कुछ लेटर भेजोगे तो वहाँ जाके कहीं जहाँ रिसीव होता है वहाँ वो प्रिंट होके आएगा, तो इसमें फास्ट लेटर या मैसेजेस डिलीवर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक 1986 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश मतलब क्या, दूसरे देश में।
विदेश संचार, संचार मतलब क्या, मैसेज भेजना, वहाँ तक कनेक्ट करना, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड, दैट इज़ VSNL। अगर सिटी टू सिटी करना है तो उसके लिए है MTNL, दैट इज़ महानगर, नगर मतलब क्या सिटी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये क्या था, ये लोकल एरिया में, ठीक है, MTNL, BSNL और एक VSNL होता है। BSNL मतलब क्या, कंट्री टू कंट्री अगर कम्युनिकेट करना है, कंट्री में कम्युनिकेट करना है, इंटर कंट्री। देन विदेश संचार निगम लिमिटेड हेल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। तो ये पहली बार इंटरनेट गवर्नमेंट का आता था, वो VSNL का आता था, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड का। अभी तो इंटरनेट मोबाइल पे भी आता है या फिर प्राइवेट लोग भी डिलीवर हमारे घर पे इंटरनेट सप्लाई करते हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही इंटरनेट देता था और VSNL देता था। ये सब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में ही इंटरनेट थे। लोकल अगर किसी को इंटरनेट लेना है या प्राइवेट इंसान को लेना है, बहुत उसके लिए परमिशन लेने पड़ते थे, ठीक है। तो एक ऑफिसर थे जिनका नाम है सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये टेली कम्युनिकेशन सब डेवलप करने में इंडिया में। नाउ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन देखो 1994 में आया था, 22 अगस्त 1994 में मोबाइल फ़ोन सर्विस स्टार्ट हुआ था। जो हेडसेट था मोबाइल का, जो मोबाइल फ़ोन था वो 45,000 का आता था, बहुत बेसिक मोबाइल फ़ोन था जिसमें सिर्फ नंबर्स थे और फ़ोन करने का, फ़ोन कट करने का बटन बस, बाकी कुछ फंक्शंस नहीं थे, बहुत सिंपल फंक्शंस थे उसके अंदर, ठीक है। वो 45,000 था और एक मिनट बात करने का 17 रुपीज़ चार्ज होता था। आज देखो हम अनलिमिटेड कितना भी बात कर सकते हैं, हम थक जाते हैं, लेकिन मोबाइल का बिल ज़्यादा नहीं आता है। 400 रुपीज़ में हम पूरे मंथ में इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं और वापस बात भी कर सकते हैं, 250 to 400 रुपीज़ में। लेकिन पहले 17 रुपीज़ लगते थे एक मिनट का बात करने के लिए। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज, पहले गवर्नमेंट ही सर्विस देता था, बाद में कैसे हो गए प्राइवेट लोग भी आ गए, तो कॉम्पिटिशन आ गया। कॉम्पिटिशन आने के बाद उसका जो सर्विस है चीपर हो गया, ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार मतलब क्या, देखो भारत में संचार करना है मतलब कंट्री के अंदर, ये BSNL है। ये 2000 में हुआ था, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वॉज रीस्ट्रक्चर्ड, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पॉलिसी डिसीजन वॉज रिटेन्ड बाय द टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड BSNL, कि कंट्री में कैसे टेलीफोन्स का सप्लाई होना चाहिए, टेलीफोन का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, इसका सब चीज़ BSNL में डिसाइड होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है BSNL, ठीक है, वो इंटरनेट प्रोवाइड करता था, सेलुलर फ़ोन प्रोवाइड करता था, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, ये सब सर्विस प्रोवाइड करता था। बाद में रिलायंस के भी मोबाइल आ गए, उसके रिलायंस का भी कम्युनिकेशन आ गया, उसके मोबाइल आ गए, तो ऐसे कंपटीशन बढ़ गया। तो जितना कंपटीशन बढ़ता है उतना उसका प्राइस कम होगा, क्योंकि लोग अगर कम प्राइस लेगा तो ही खरीदेगा, तो ही वो जो मोबाइल फ़ोन है या फिर उसका जो सर्विस है वो खरीदेंगे, ठीक है। तो अभी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC, ऑयल और नेचुरल गैस, ये क्या होता है, ये हमें सी में या फिर कभी कभी लैंड के अंदर भी मिलता है, नीचे मिलता है, तो उसको क्या करना, डिग करना पड़ता है, उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही हम हमारे गाड़ी में या हमारे घर में जो नेचुरल गैस होता है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत कॉस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर है, ये करने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो पहले तो हमने क्या किया, डिपॉजिट्स कहाँ हैं, ऑयल कहाँ मिलता है, ये ऑयल बात कर रहे हैं हम मिनरल ऑयल की, पेट्रोल डीजल इसकी बात कर रहे हैं, केरोसिन। सो दिगपोई इन आसाम, आसाम में एक जगह है जिसका नाम है दिगपोई। तो दिगपोई में ऑयल वेल है, मतलब क्या, वहाँ ऑयल का ऑयल है, तो वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अंकलेश्वर इन गुजरात, गुजरात में भी एक जगह है जिसका नाम है अंकलेश्वर, वहाँ से भी हमें नेचुरल गैस, पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम उसके ऊपर रिसर्च, सॉरी उसके ऊपर उसको प्यूरीफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं। वैसे ही 1974 में बॉम्बे हाई मतलब क्या, मुंबई का जो सी है, मुंबई का सी कोस्ट है, उसके थोड़ा पास में मुंबई हाई एक जगह का नाम है जहाँ से पेट्रोल का रिजर्व्स है, वहाँ पेट्रोल मतलब नेचुरल गैस का रिजर्व्स है, ठीक है। 1975 में एक ड्रिल शिप था, ड्रिल मतलब जैसे आपको पता है, जैसे मैंने बोला आपको कि सी में मिलता है, सी में मतलब क्या, वाटर के अंदर नहीं मिलता है, सी के नीचे जो ज़मीन है वहाँ मिलता है, तो हमें ड्रिल करके निकालना पड़ता है। तो ड्रिल शिप का नाम क्या है, सागर सम्राट, ठीक है। फ्रॉम 1975 मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस बिगेन टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नियर, लेटर मोर देन 8,500 ऑयल वेल्स एंड 33 नेचुरल गैस वेल्स डग इवेंचुअली इन द रीजन, इन द एरिया। तो इतने नेचुरल गैस का और ऑयल्स का हमें ऑयल वेल मिला, तो इतना हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से। तो 38% ऑफ टोटल मिनरल ऑयल प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड 14% ऑफ द कंट्री डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल, इतना क्रूड ऑयल यहाँ से मिलता है। लेकिन ये भी कम है हमारे लिए, इसलिए हमें बाहर के कंट्रीज से, दूसरे कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसमें हमारा बहुत पैसा खर्चा होता है।
रेलवेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। रेलवेज पहले देखो, इंडिया को ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रेलवे दिया, पहले हमारे पास रेलवेज नहीं था, लेकिन एक ऐसा रेलवे लाइन है जो सिर्फ इंडियंस ने बनाया और वो इंडिपेंडेंस के बाद, वो है कोंकण रेलवे। जो महाराष्ट्र के लोग हैं जिनको पता है कि वो जो रायगढ़ रत्नागिरी या फिर सिंधुदुर्ग में रहते हैं, उनको पता है कि वहाँ एक रेलवे लाइन जाता है जिसे बोलते हैं कोंकण रेलवे। उसके आगे भी है, वो गोवा में भी है, कर्नाटका में भी है, ठीक है। जो कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट था वो बनाने के जो उसके इंचार्ज थे वो थे डॉक्टर ई श्रीधरन, उनको मेट्रो मैन भी बोला जाता है। मेट्रो मैन मतलब क्यों? क्योंकि दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है वो उन्होंने बनाया, उनके लीडरशिप के अंदर बनाया, और इंडिया में बहुत सारे जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनका सुपरविजन में बनाया गया है, इसलिए उनको मेट्रो मैन बोला जाता है। हिज वर्क रिगार्डिंग दिल्ली मेट्रो एंड कोंकण रेलवे इज़ नोटवर्थी, इसलिए उनको मेट्रो मैन बोला जाता है। ही इज़ वेरी वेरी गुड इंजीनियर, अभी वो रिटायर हो गए, उनका अभी एज हो गया, लेकिन ये बहुत एफिशिएंट है। उन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर कोंकण रेलवे का काम किया था, और कोंकण रेलवे से अगर आपने ट्रैवल किया होगा तो आपको पता है कि कितना डिफिकल्ट है वहाँ रेलवेज बनाना। मोर देन 50 टनल्स है, बड़े बड़े ब्रिजेस है, उसमें एक जो ब्रिज है, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में, वो उस टाइम पे एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज था। मतलब तो इतने बड़े बड़े ब्रिजेस है, इतने बड़े बड़े टनल है, एक टनल उस टाइम पे एशिया का सबसे बड़ा टनल था। इतने डिफिकल्ट प्रोजेक्ट को उन्होंने बनाया, उन्होंने कंप्लीट किया। तो कोंकण रेलवे वो स्टार्टेड इन 1998। देर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी देखो ये चार स्टेट से जाता है, एक है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। अभी कोंकण रेलवे सिर्फ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में जाता है, लेकिन वो लाइन आगे केरला तक जाती है, ठीक है। कोंकण रेलवे का टोटल लेंथ है 760। महाराष्ट्र का जो रोहा है, रोहा से स्टार्ट होता है कोंकण रेलवे, और कर्नाटका का जो मैंगलोर है, मैंगलोर के पहले एक स्टेशन है वहाँ तक कोंकण रेलवे है। तो टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर्स। देर आर 12 टनल्स ऑन द ट्रैक। ये गलत दिया है, 12 से तो बहुत ज़्यादा टनल्स है, छोटे छोटे टनल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 6.5 किलोमीटर कर्पूरे टनल, 6.5 किलोमीटर कर्पूरे टनल, इट इज़ नियर रत्नागिरी। ये सबसे बड़ा टनल है कोंकण रेलवे रूट पे, इतना 6.5 किलोमीटर का है। कुछ टनल वहाँ 4 किलोमीटर्स के, 5 किलोमीटर्स के, लेकिन सबसे बड़ा है 6.5 किलोमीटर का कर्पूरे टनल। देर आर 179 बिग एंड 1819 स्मॉल ब्रिजेस ऑन दिस ट्रैक। आउट ऑफ दिस 2065.8 मीटर्स ये है लॉन्ग ब्रिज, ये सबसे लेंथ ज़्यादा है। शरावती रिवर, इट इज़ इन कर्नाटका, नियर होनावर इज़ बिगेस्ट। 64 मीटर टॉल, अभी ऊंचा देखो, 64 मीटर टॉल पानवल ब्रिज, पानवल रिवर है, रत्नागिरी के आगे है पानवल रिवर है, उसके ऊपर जो ब्रिज बनाया है उसका हाइट है 64 मीटर। एक टाइम पे वो एशिया का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज था, अभी इंडिया का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है। अभी कश्मीर में कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है ये जो रेलवेज बनाने का काम करता है, तो कश्मीर में कोंकण रेलवे ब्रिज बना रहा है जो इंडिया का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज होगा, ठीक है, या फिर वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज भी हो सकता है। बहुत बड़ा ब्रिज है वो, या बहुत ऊंचा ब्रिज है। फॉर अवॉइडिंग द एक्सीडेंट्स ऑन द ट्रैक दैट आर प्रोन टू लैंड स्लाइड देर आर सेंसर्स फिटेड टू रेलवे इंजिन्स। कि क्या होता है कि ये कोंकण रेलवे का जो ट्रैक है वो माउंटेन्स से कट होके जाता है, माउंटेन्स के बीच में से जाता है, तो कभी कभी लैंड स्लाइड होता है। और ये सिंगल लाइन है, अभी काम चल रहा है डबल लाइन का, और ये सिंगल लाइन है, मतलब जाने के लिए आने के लिए एक ही ट्रैक है, तो ट्रेन को रुकाना पड़ता है, दूसरे ट्रेन को पास करना पड़ता है। तो इन केस अगर कोलिजन होगा, अगर इन केस अगर दो ट्रेन का टकराव हो सकता है, तो इसलिए क्या किया है, इंजन जो होता है ट्रेन का और पीछे जो लास्ट में एक जो बोगी होता है गार्ड का, वहाँ सेंसर्स लगाए गए, ताकि क्या होगा अगर सामने से या पीछे से ट्रेन आती है तो पता चलेगा और ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ये सब कोंकण रेलवे ने डेवलप किया है, ठीक है। रेलवे टेक्नोलॉजी हमने देखा था, द टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय रेलवे हैज़ अ बिग रोल इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू ब्रिंग एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड कोऑर्डिनेशन इन द रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन आपको पता है कि रेलवे का रिजर्वेशन कंप्यूटराइज होता है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट किया गया, सॉफ्टवेयर बनाया, वेबसाइट बनाया, ठीक है। तो मुंबई सॉरी फर्स्ट टाइम दिल्ली में रिजर्वेशन किया था, कंप्यूटर रिजर्वेशन इन 1984। इन द सेम ईयर द मेट्रो वॉज स्टार्टेड इन कोलकाता। कोलकाता का जो मेट्रो है इंडिया का सबसे पुराना मेट्रो है। उसके बाद बहुत सारे सिटीज़ में अभी मेट्रो बनाया गया है, मुंबई में भी काम चल रहा है दूसरे मेट्रो प्रोजेक्ट का, एक मेट्रो तो है, दिल्ली में तो बहुत बड़ा नेटवर्क है मेट्रो का, लखनऊ में भी है, नागपुर में है, पुणे में काम चल रहा है, कोचीन में है, चेन्नई में है, ऐसे बहुत सारे मेट्रो बनाए गए, लेकिन सबसे पहला मेट्रो है कोलकाता का। इन दिस वे इंडिया हैज़ बीन मेकिंग प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। न्यू इन्वेंशंस हैव बीन मेड। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट 21st सेंचुरी नेशन विच हैज़ ऑलवेज यूज टेक्नोलॉजी फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड।
मतलब जो भी हमने देखा था, एटॉमिक प्रोजेक्ट देखा था हमारा, वो सब हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया था या फिर रिसर्च करने के लिए। उसके बाद अगर हमें पता चला कि चाइना और पाकिस्तान भी डेवलप कर रहा है, वो थ्रेट है हमारे लिए, तो हमने वापस न्यूक्लियर मिसाइल्स भी बनाया या फिर न्यूक्लियर टेस्ट भी किया। लेकिन हमारा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, पहली बार हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जो भी हमने रिसर्च किया, टेक्नोलॉजी यूज़ किया, ये पीसफुली, पीसफुल मीन्स के लिए यूज़ किया, फ़ायदे के लिए यूज़ किया ह्यूमन बींग्स के। इंडिया इज़ मेकिंग ऑल दिस एडवांसमेंट्स इन द ऑर्डर टू बी मोस्ट फॉरमोस्ट अमॉन्ग नेशंस इन 21st सेंचुरी। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द प्रोग्रेस इंडिया इज़ मेड इन द फील्ड्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। ये सब हमने देखा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट चैप्टर में हम कॉमर्स और ट्रेड में क्या डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट बिलो एंड शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।